उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बागेश्वर में आयोजित सैनिक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। देश सेवा के किसी भी अभियान में उत्तराखंड के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है और यही वजह है कि वन रैंक वन पेंशन देकर पीएम मोदी ने सैनिकों का मान बढ़ाया। गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। पूर्व सैनिकों को मिलने वाली आर्थिक मदद को भी बढ़ाया गया है। शहीदों को हर संभव सम्मान दिया जा रहा है। मैं भी बाजार में कई लोगों से मिला और यहाँ आज यहाँ के पूर्व सैनिक संगठनों के जो प्रमुख लोग आज यहाँ पर आए थे उनसे मेरी बातचीत हुई। आज लगभग 6000 के लगभग पूर्व सैनिक यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और एवरेज एक परिवार का अगर मत लगाएं तो 4 या 5 वोट होता है। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाया है कि एक एक मत बहन पार्वती दास के पक्ष में जाएगा। उन चंदन दा को श्रद्धांजलि अपना वोट डालकर वो देंगे, ऐसा मेरे सैनिक भाइयों ने मुझे विश्वास दिलाया है और सैनिक जो कहता है वो करता है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी कवायद जारी है। शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर यकीन करेगी और डबल इंजन की सरकार का लाभ बागेश्वर को जरूर मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी को खोया है। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया और बहुत सारे विकास कार्य इस समय पाइपलाइन में भी हैं। बता दें आपको कि बागेश्वर सीट धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन में रिक्त हुई थी और अब इस सीट पर 5 सितंबर को वोटिंग और 8 सितंबर को मतगणना होगी। बागेश्वर का उपचुनाव बड़े ही ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब हमारे साथी चंदन रामदास जी जो लंबे समय तक उस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और बागेश्वर की धरती पर अनेकों काम उनके माध्यम से हुआ है, लगातार उस क्षेत्र की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर अपना समर्थन देकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अनेकों योजनाएं उन्होंने वहां पर पूरी की हैं, चलाई हैं, लाए हैं, लगातार वो संघर्ष करते रहे हैं, उनके कामों को आगे बढ़ाना है। इसलिए वहाँ पर उन्हीं की धर्मपत्नी बाबा शिव की नगरी बागनाथ की भूमि से पार्टी ने उनको खड़ा किया है और उन सभी कामों को, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, बागेश्वर क्षेत्र की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उपचुनाव हुआ, पिछला उपचुनाव चंपावत का हुआ था, वहाँ पर भी एक विकास की गति को तेज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को अभूतपूर्व रूप से जो विकास की योजनाएँ दी हैं, चंपावत के लोगों ने आगे